हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम थ्योरी ऑफ लेटरिंग यानी लेटर राइटिंग की जो मतलब थ्योरी होती है उसके अनुसार फिर सीखते हैं। जो चीज़ें हम कल सीखे थे उसको एक बार हम क्या करते हैं, जो किताब में सारणी बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ, उसके हिसाब से समझाते हैं आपको। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो टेबल बना रखा है। टाइप ए में हमने लिखा है छिपाई 14, हमने बताया था। टाइप ए में क्या होता है कि जो आपका लेटर होता है उससे क्या करते हैं हम 14 पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जो आपका लेटर होता है उसकी जो हाइट होती है, वो ये क्या हाइट होती है, उसको हम 14 मतलब पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही टाइप बी में मैंने बताया था आपको कल, जो टाइप बी की बात होती है तो टाइप बी में क्या किया जाता है दोस्त, जो हाइट होती है एच, किसके अनुसार हाइट, बी आई एस के अनुसार जो हाइट दी रहती है, उसको हम 10 पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साड़ी जो बनी हुई इसकी सहायता से हम इसको अब समझाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले हम कल हम बात किए थे आपसे कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उस चीज़ को हम पहले देखते हैं फिर उसके जवाब लेते हैं इसी चीज़ों से, उसके बाद क्या बोलते हैं कि इसको हम समझाते हैं। देखो दोस्त, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन है टाइप ए, क्या लिखा, टाइप ए लेटरिंग में लाइन की मोटाई डी का मान कितना होता है। लाइन की मोटाई डी का मान कितना होता है, तो कितना होता है लाइन, ये क्या है, ये डी है, तो ये क्या होता है, ये डी होता है, इसी को हम डी बोलते हैं। डी बराबर होता है कितना, एच बाई 14, क्या एच बाई 14। यही पूछता क्वेश्चन आपका टाइप बी लेटरिंग में लाइन की मोटाई डी का मान कितना होता है, तो आप क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एच बाई 10 होता है। क्या होता है, एच बाई 10 होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, अभी वही क्वेश्चन जो मैंने बोला है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंजीनियरिंग टाइम में कौन से अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग टाइम में कौन से अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तो किस तरह के अक्षर का प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग टाइम में, आपका सिंगल स्ट्रोक जो आपका लेटर लिखे जाते हैं उसका यूज किया जाता है, वर्टिकल भी यूज किए जाते हैं, इंक्लाइंड भी यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम करके कैपिटल लेटर यूज करते हैं, यानी वो क्या होते हैं गोथिक लेटर, क्या गोथिक आपका क्या बोलते हैं लेटर का यूज किया जाता है, ये बातें आपको अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा ऐसे ये क्वेश्चन और है कि इंजीनियरिंग टाइम में दो शब्दों के बीच आमतौर पर कितना अंतर रखा जाता है। देखो आ गया ना, तो इस तरह से क्वेश्चन क्या बोलते हैं कंपटीशन में आते हैं, जो डिप्लोमा की किताबों में नहीं दिए रहते हैं या पढ़ाने वाले उस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। टाइप ए में पहले इसको समझते हैं है क्या, यहाँ पर देखो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, क्या लिखा है कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपका जो चीज़ें आपके बारे में मैंने बताया था, जैसे आपका कैपिटल लेटर है तो उसके मतलब क्या वो, तो उसकी ऊंचाई क्या रखी जाएगी, कैपिटल लेटर की ऊंचाई क्या रखी जाएगी, जो एच है जो आपका यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है 14:14 यानी एच होता है, 14:14 एच होता है। ये वाला एच क्या है, जो रेशियो वाले लिखा है ये आपका बी आई एस के अनुसार आपका होता है, और मैंने बताया था आपको कि जहाँ 14 लिखा हुआ हर में वहाँ पे जो इनमें से कटेगा उन्हीं को लिया जाएगा, जिनमें से मैंने बोला था 7.5, 7, 14 इसको लिया जाएगा। तो ये लिख के आप देखो आपका यहाँ पे क्या 2.5, 3.5 ये सब चीज़ें दी गई हैं, ये सब दी गई हैं। अब इसमें से अगर क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं अगर यहाँ पे 14 बट्टे 14 है तो उसका मान एक है तो आएगा, तो एच है तो आएगा, तो अगर आप 2.5 लोगे तो वही लिखा जाएगा, 3.5 लोगे तो वही लिखा जाएगा, 5 लोगे तो वही लिखा जाएगा, ये सब चीज़ें ऐसे लोते से ले जाओगे आप तो वही वैल्यू आती चली जाएंगी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपका सी क्या था, देखो दोस्त ये आपका जो स्मॉल लेटर था उसकी ऊंचाई थी, सी क्या था स्मॉल लेटर था उसकी ऊंचाई थी, उसकी ऊंचाई के लिए 10/14 ऐसे रखा जाता है, जिसमें 2.5 नहीं लिया जाता इसलिए आपको यहाँ ब्लैंक किया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपका 3.5 जब लिया जाएगा तो यहाँ पर 2.5 आ जाएगा,
भाग करके देख सकते हो। देखो 3.5 अगर यहाँ पर रखोगे इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, 10 × 3.5/40 यानी कितना आ जाएगा 35/40, 14 × 28 होता है 28, 2 × 70 14 × 25 70 10 × 70 देखो आया नहीं है। ऐसे ही आपका 5 रखोगे यहाँ पे, 7 रखोगे, 10 रखोगे तो ये वैल्यू आती चली जाएंगी, ठीक है। ऐसे आप देखो ए, ए क्या है आपका, दो लेटर जो हैं, जो लेटर हैं ई और जो एन, इनके बीच की दूरी, या एन और जी के बीच की दूरी, या जी और आई के बीच की दूरी, एन और ई के बीच की, या डी और आर के बीच की दूरी, इसे ए से रिप्रेजेंट किया गया था। यहाँ पे क्या रखा, रिप्रेजेंट किया गया था ए से, रिप्रेजेंट किया इनके बीच में स्पेस कितना रखा जाता है, इस चीज़ को बताया गया है। तो यहाँ पर देखो स्पेस 2/14 एच लिया जाता है, 2/14 एच लिया जाता है। अगर यही में देखो आपका एच के स्थान हम 7 रखते तो देखो यहाँ 7 रखोगे क्या, 7 × 9 = 7 × 2 = 14 दो में भाग करोगे आपका 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, समझ में आ रहा होगा। ऐसे अगर 14 आप यहाँ पर रखते तो देखो 1 कट जाता तो 2 mm हो जाता, नहीं हो जाता। तो ये स्पेसिंग आपका इस तरह से लिया जाता है जो BIS स्टैंडर्ड होता है उसके अनुसार हम ऐसे करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में शायद आपको आ रही होगी जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही देखो आपका बी लिखा गया है, क्या बी लिखा गया है, तो बी क्या है बाबू, देखो आपका ये बेस लाइन, यानी ऊपर जो ये लाइन लिखी गई है इसका जो बेस है, और जो एक लाइन दूसरी लिखी गई है उसके जो बेस के बीच की डिस्टेंस को हमने बी से यहाँ से रिप्रेजेंट किया है। इसी चीज़ को यहाँ किताब में बोला मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन बोला गया है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कितना रखा जाता है, इसके लिए आपका क्या 20/14 एच रखा गया, देखो ठीक। अगर एच BIS का एच 14 अगर ले लोगे तो 14 से 14 कट जाएगा, 20 बचेगा, तो आप 14 वाले में जाओ तो फिर यहाँ 14 है, यहाँ देखो 20 लिखा होगा, देखो लिखा कि नहीं लिखा, ठीक। ऐसे ही आप यहाँ 7 ले लो, BIS वाला जो आपका मतलब हाइट दिया हुआ 7 लिख लो तो 7 × 14 = 10 लिखा होगा, देखो आपका 10 लिखा है, नहीं लिखा है, बात समझ में आ रही है। अच्छा ऐसे आपके ई, ई को क्या बोला गया था, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, जैसे हमने यहाँ पे अर्जुन लिखा था या यादव लिखा था, तो इनके बीच में जो आपका मिनिमम स्पेसिंग है इसको कितना रखा जाता है, इसको टाइप में क्या रखा जाता है 6/14 एच रखा जाता है। अगर BIS के अनुसार आप देखो 14 ले लो बाबू तो आपका यहाँ पर कट जाएगा 6 आ जाएगा, नहीं आएगा, देखो 14 के लिए 6 लिखा होगा, देखो 6 लिखा। ऐसे ही आपका 7 अगर ले लेते हो यहाँ पे तो यहाँ पर 7 × 7 = 3 हो जाएगा, देखो 7 के नीचे आपका 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो वर्डों के बीच में ऐसे हाइट जैसे जैसे आपका BIS बदलती है आपका स्पेसिंग क्या हो जाती है, बदलती रहती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, चलो इसके बाद आपका डी लिखा था मैंने, क्या लिखा था डी, डी को बोला था थिकनेस ऑफ लाइन, क्या बोला गया था थिकनेस ऑफ लाइन, अभी मैंने उसी का क्वेश्चन भी बताया आपको, अभी जो क्वेश्चन में बताया तो उसी को बताया था, क्या होता है 1/4 एच लिखा जाता है। अगर देखो आपका BIS होता है 14 लेते हुए एमएम, तो यहाँ 14 रखोगे तो आपका 1 आ जाएगा, देखो आपका यहाँ पे 1 आया है। ऐसे आप 7 लेते तो आपका क्या था 0.5 आता, देखो आया है, ठीक है। तो ये आपको टेबल शायद समझ में आया होगा, ये टेबल शायद आपको समझ में आया होगा, बोलो बोलो समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, ठीक। तो ये टाइप एक आपका टेबल था जिसको हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आज आपको ये बात क्लियर एकदम हो गई होगी। ऐसे अगर मुझे मान लो टाइप बी का लगाना, क्या है टाइप बी का, टाइप बी का अगर मुझे बताना है, वो थोड़ा सा देखने चला गया था बंदरों को, ठीक है, कहीं आए मेरा रूम में आ जाते ना तो नुकसान कर जाते। चलो टाइप बी को अगर बताने का प्रयास मैं करूँ, देखो ध्यान से यहाँ पे टाइप बी लिखते हैं, हमने बताया आपको क्या टाइप बी में क्या हो जाता है 10 पार्शियल हो जाता है, ठीक है, क्या होता है 10 पार्शियल हो जाता है। अब देखो इसमें टाइप बी में क्या होगा, जहाँ 14/14 है, यानी हर में जितना भी होगा आपका सब कुछ बदलने वाला है, देखो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 10/10 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 10/10 क्या हो जाएगा, लिखा है आपका 7/10 हो जाएगा, ठीक यस हो जाएगा। अब अलग अलग वैल्यू देखो, ये तो वैल्यू आपको वही आएंगी BIS के अनुसार, लेकिन अलग अलग वैल्यू अगर रखा जाएगा, ये 2.5 आएगा, 3.5 आएगा, 5 आएगा,
सेवन आएगा, टेन आएगा और फोर्टीन आएगा, ये भी आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें तो मान लो सही है, इसमें तो मान लो सही है कि आपका कैपिटल लेटर के लिए आपका एच का मान जो आएगा वही वैल्यू आएगा देखो आपका, जो आपका बी आई एस कंसर्न लिया जाएगा। लेकिन जो स्मॉल लेटर है उसके लिए यानी ए वाला, जो स्मॉल लेटर के लिए आपकी थिकनेस इसके लिए भी वही आएगा जब आपका टेन पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर अगर देखा जाए ए, तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू दिया है टू अपान टेन, टू अपान टेन यानी सबके नीचे देखो टेन हो जाएगा, ये बात याद रखो, सबके नीचे क्या होने वाला बाबू, टेन होने वाला, हर में सबके नीचे हो जाएगा टेन। और किस में चेंज होगा उसको लिख दे रहे हैं यहाँ देखो, बी के स्थान पे आपका हो जाएगा चौदह बटे टेन, इसको भी चेंज कर दे रहे हैं। ई में आपका कितना है यहाँ पे सिक्स अपान टेन, ये सही है आपका, ये सही है, ठीक। अब इसका देखते हैं, ये तो हम समझ ही गए थे, ठीक। अब हम समझते हैं ए वाले में, ए वाले में अगर देखा जाए तो एच का मान अब रखते हैं क्या, ए वाले में एच का मान रखते हैं, तो एच का मान अगर क्या बोलते हैं 2.5 रखा जाए, कितना रखा जाए 2.5 रखा जाएगा अगर यहाँ पे एच का मान, तो ये वैल्यू तो फिर वह लिख देते हैं यहाँ पे, ये स्पेस कर देते हैं, लिखते जाते हैं मिटाते जाते हैं, ठीक है। तो जब लिख देते उसके बाद बताएं आपको क्या है 0.5, मतलब अगर 2.5 के यहाँ पे रखोगे ये कितना जाएगा 0.5 आएगा, आएगा नहीं आएगा देखो दिखा देते हैं आपको, तो 2/10 है इंटू 2.5, तो आप बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 5/10 आएगा, तो 0.5 आएगा नहीं आएगा, इसीलिए आपका यहाँ पर रखा गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो यहाँ पे एच के स्थान पे 3.5 रखोगे तो आ जाएगा 0.7, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 5 रख के देखो, यहाँ 5 रखो तो देखो 5 दूनी 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 7 रख के देखो तो आपका 1.4 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 10 रखो देखोगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे ही आप यहाँ पे 14 रख के देखोगे तो 2.8 आ जाएगा, ऐसे आप 20 रख के देखोगे आपका 4 आ जाएगा। मतलब जो स्पेसिंग रहेगी ऐसे ही वेरी करती रहेगी, बोलो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। इसको भी मिटा देते हैं, सारे को मिटा देते हैं क्योंकि इसमें लिखना है, समझाना है आपको ना। चलो दोस्त ये हमने सारा मिटा दिया, अब आपको विधुर तरीके से बात भी समझ में आ जाए, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से देखो 14/10 है एच, एच का मान अगर 2.5 रखते हो, 2.5 रखते हो तो 2.5 रखने पे एच का मान किसका मान निकालने जा रहे हैं, बी का, तो बी का मान आपको 3.5 आएगा, ठीक। कितना 2.5 अगर यहाँ रखोगे और 3.5 रखोगे तो 3.5 अगर रखते हो तो एच का मान 5 आएगा। अब सोच रहे हो कहाँ की बात कर रहे हो, ये बेस लाइन की बात कर रहे हैं, ये इसके बीच में जो मिनिमम स्पेसिंग हो, ठीक है। अच्छा ऐसे 7 आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, कैसे देख लो, अगर 5 रखते हैं यहाँ पे तो आपका यहाँ 5 होता 14/10, 5 × 5 = 10 कट जाएगा, दूसरे में भाग देते 7 आता नहीं आता, ऐसे आप यहाँ पर 10 रखते हो 10 से कट जाएगा 14 आ जाएगा स्पेसिंग, यानी ये स्पेसिंग आपकी कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ऐसे ही आप देखो 14 रखते हैं आप 14 तो ये क्या कितना आ जाता आपका 19.6, कितना था 19.6, रुक जाओ देख लें 10 आया 14 आया, बी का मान 5, 7, 10 आएगा, 10 से 10 कटेगा ना 5, 7, 10, हाँ। अब देखो आपका अगर 20 यानी ऐसे ही वैल्यू आप रखते चले जाओगे तो हम लिख दे रहे हैं 5 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, 14 आया फिर 20 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर आपका 28 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको आती चली जाएंगी, ठीक। ये बात समझ में आई होगी आपको, ओके। देखो हम रख के दिखा देते हैं आपको, अगर 14 रखते हैं आप यहाँ पे तो 14 × 14/10, ओके। अरे यार हम देख कुछ और हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, ये समझे क्या, हम देख रहे हैं टाइप पे का टेबल है ना, हमें लिखना है इसका टेबल।